देखिए, मैं एक काम कर रहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन में इंडिया में जो टेस्ट होते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, जो पीटेट सीटेट है, किसी और स्टेट का टीईटी है, यूजीसी नेट है, इनका एनालिसिस काफी किया है। तो मैं ये ऐसे मुझे ना कुछ जो इनमें वीकनेसेस थी, जैसे मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता जा बनवाता जा उसकी ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो कई तरह के वीक पॉइंट कंस्ट्रक्टर को बताने होते हैं कि इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो वीक पॉइंट अगर जो जिसने अटेम्प्ट करना है, जो एग्जामिनी है, टेस्टी है, जिसने पेपर देना है, उसको ये पता चल जाए वो वाले वीक पॉइंट, तो बिना नॉलेज के या कम नॉलेज के वो राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। दैट इज वाई अच्छी क्वालिटी एमसीक्यू की क्या है कि जो वो जो एरर्स हैं उनसे फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टेल है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैंने मैंने मैं कर रहा था ऐसे, मैं वो नहीं बताऊंगा अभी, उसके डिफरेंट वीडियो बनाए हैं। अच्छा, वो मैं कोशिश करता हूं कि जो एग्जाम्पल देनी है जब एमसीक्यू की एक ही वीकनेस बतानी है, तो मैं एग्जाम्पल वो ओरिजिनल, जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम से और पीटेट के सीटेट के एग्जाम से जो कलेक्ट करूं और उसमें दूं, ठीक है। तो मुझे कई क्वेश्चन ऐसे मिल नहीं रहे थे, तो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है ना, जो अभी एग्जाम हुआ है, टेस्ट हुआ है पंजाब में 20-22 साल बाद जो होने लगा है, तो उसने मेरी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, क्योंकि उसमें इजीली इतने क्वेश्चन मिल गए हैं जो एक अच्छे एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर को वायलेट करने चाहिए, तो उन्होंने इतने वायलेट किए हैं। वो मैं थोड़े डिस्कस करूंगा, थोड़ा एजुकेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है वो इसमें डिस्कस करूंगा। एक रूल था, मुझे मिल नहीं रहा था, द आर्टिफिशियली कंपाइल्ड ऑप्शन इज रॉन्ग इन मोस्ट केसेस, जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से, फॉर एग्जाम्पल, अब देखा मुझे एग्जाम्पल मिल गई, कहाँ से मिली ये, मुझे मिली आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेक्शन टेस्ट हुआ है उसमें से, ठीक है, ये मैंने टाइप किया है, बाकी के टाइप करने के लिए इतना मैंने कहा ये कहाँ काम आएंगे, देखो कहाँ कहाँ आप देखो, अच्छी चीज भी काम आती है और निकम्मी चीज भी काम आती है। अब निकम्मे एमसीक्यू बने हैं तो हाँ, मेरे लिए अच्छा है ना, वो मिल गए मुझे, एग्जाम्पल मिल गई। तो आर्टिफिशियली अगर कोई ऑप्शन बनती है तो मोस्टली रॉन्ग होती है, ये एक क्लू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अडल्ट लर्निंग, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव इज मीनिंगफुल कैपेसिटी, ओके, एक्सपीरियंस मीनिंगफुल, क्रिटिकल थिंकिंग मीनिंगफुल, रिफ्रैक्टिव जो है यहाँ सीधा आर्टिफिशियल वो जो बनाया गया है। दूसरा ऑड, ऑड अगर आप, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पढ़ने वालों का नुकसान हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो स्टेम क्वेश्चन को पढ़े बिना अगर आप इसमें से चार ऑप्शन को पढ़ो और देखो कि इसमें ऑड वन कौन कौन सा है, ठीक है। आपको रिफ्रैक्टिव का मीनिंग पता है फिजिक्स में, जो डिक्शनरी में बेशक देख लेना, तो साफ दिखाई दे रहा है ऑड कौन सा है। तो ये मेरा मेरी हेल्प मिल गई, और एक एग्जांपल मिली है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप ऑड मैन आउट पे, पूछा ही यही है, क्वेश्चन ही यही है, ये डिसलेक्सिया, ठीक है, तारे जमीन पर फिल्म सभी ने देखी है, डिसग्राफिया वहां आता है लिखने वाली प्रॉब्लम है ना, ये रीडिंग की, और ये डिसफ्रेजिया स्पीकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, और एक आर्टिफिशियल टर्म बीच में डाल दी गई। तो बहुत अच्छी मुझे एग्जांपल मिल गई हैं, और इसके अलावा अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये क्वेश्चन, ये देखिए, विच वाज अंडरलाइंग पर्पस ऑफ महात्मा गांधीज बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, ठीक, लॉन्ग टेल की एग्जाम्पल बहुत अच्छी मिल रही है। हाँ, ये क्वेश्चन इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये डिस्ट्रक्टर जो बनाए हैं ना, ये क्राफ्ट को अच्छा डिस्ट्रक्टर बना लिया है, क्योंकि क्राफ्ट से अट्रैक्ट हो सकता था,
ठीक, लेकिन ऐसी एग्जांपल मिल रही है कि लॉन्ग टेल वाले काफी क्वेश्चन जो है ठीक हुए हैं। बिल्डिंग एन आइडियल सोसाइटी, इसमें उसकी एक एग्जांपल है। अच्छा और देखते हैं क्लू, ये तो मेरे पास एक भी एग्जांपल नहीं थी, बड़ा बड़ा ही जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाया उनका वेरी वेरी बहुत थैंक्स उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल नॉलेज, ये कहाँ गया, ये ओके, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, देखिए कहीं नॉलेज लिख तो नहीं दिया गलती से। नॉलेज का नॉलेज अगर आता है जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए कहते हैं तो ये अवॉइड करने के लिए होता है कि सेम जो है फ्रेज वो इसमें ना यूज हो, अगर यूज करनी है तो वो डिस्ट्रक्टर एज ए यूज होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ नॉलेज शब्द आप देखिए, ये नॉलेज और ये पहले में एसेस ऑफ नॉलेज और दूसरा फिर नॉलेज कंसेप्ट, फिर ये बोरिंग नॉलेज। ठीक है, तो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट है। देखिए, ऑल एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग बट मेनी फॉर्म्स ऑफ लर्निंग आर नॉट रिगार्डेड एज एजुकेशन। देखिए, हम सभी जानते हैं, ये यहां जाएंगे। एक तो इस क्वेश्चन में देखिए, मुझे ये बताइए कि पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ऐसी जो ऑप्शन होती है सीधी डिलीट होने की संभावना उसकी मैक्सिमम होती है। अच्छा, अगर ये कहते हैं कि ऑल फॉर्म ऑफ ये रहे यही आपकी लर्निंग, ठीक है, तो लर्निंग ये है, आपने आप लर्निंग की एग्जाम्पल लो, ये लर्निंग लादेन ने बिना लर्निंग के वो जो आपका WTC उड़ा दिया। ठीक है, जितने टेररिस्ट हैं क्या उन्होंने बिना ट्रेनिंग लर्निंग के वो सारा इतना सीख रहे हैं? अच्छा, क्या एक बच्चा बहुत अच्छा जो है अच्छी तरह से अब भीख मांग रहा है, ठीक है, क्या लर्निंग नहीं है? सोचना है आपको। अच्छा, क्या किसी ने चोरी करना सीख लिया, किसी ने लड़कियों के छेड़ना सीख लिया, किसी ने बस में भीड़ में कुछ करना सीख लिया, ये सारे कौन से इमोरल एक्ट है ना, ये सारे इमोरल एक्ट क्या लर्निंग है, सॉरी एजुकेशन है, लेकिन लर्निंग है। तो सिंपल सी बात है, आप डायग्राम भी बना सकते हो जो स्टेटमेंट दी गई है, तो ये कितनी फॉर्म्स कितने वो लर्निंग है जो एजुकेशन नहीं है, हमें साफ दिखाई देता है। अच्छा, एजुकेशन की जरूरत कब पड़ी है? क्योंकि यार एक इमोरल लर्निंग थी, एक मॉरल लर्निंग है। सिंपल बात, अगर और आसान करना है, एक नेगेटिव लर्निंग है और एक पॉजिटिव लर्निंग है। ठीक है, किसी स्कूल में आज तक देखा है आपने यहां पर चोरी करना सिखाया जाता है? ठीक है, लिखा तो नहीं है ना, बेशक लिखा तो नहीं है ना। आप देखो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जहाँ बड़े बड़े जो एकेडमिक वो हैं, अब राजस्थान का केस है, कितने केस हैं कि पेपर आराम से लीक हो रहा है, खरीदा जाता है 6-7-8 लाख में आप खरीद सकते हो। ठीक है, आपके पास पावर है, तो ये एजुकेशन तो नहीं है ना, लर्निंग तो है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हो गया पार्शली ट्रू वाला। नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में पीटेट सीटेट में जो बच्चे बेचारे फेल हुए हैं, मैं किसी को फेल नहीं मानता वैसे, जो बच्चे वो उतने मार्क्स MCQ सॉल्व नहीं कर सके, जो MCQ सॉल्व कर लेता वो ऐसे नहीं है कि वो हीरो है बाकी जीरो है, ऐसे नहीं है। MCQ जिंदगी MCQ नहीं है, जिंदगी चार ऑप्शन नहीं देती, जिंदगी पता नहीं कितने ऑप्शन देती है, कई बार दो ऑप्शन ही आपको डिसीजन लेना इतना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको लगता है कि चार ऑप्शन जिसने सॉल्व कर लिए वो अच्छा और जो नहीं सॉल्व कर सका वो बुरा। जिंदगी क्वालिटी है, जिंदगी क्वांटिटी नहीं है, जिंदगी नंबर नहीं है, जिंदगी 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 क्वालिटी है। ओके, द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, हमें मेरे ख्याल में पता है सभी को के जो असिमिलेशन अकोमोडेशन प्याजे
प्याजे की थ्योरी का पार्ट है। अब हम सभी को पता है, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगा जिसको ये ना पता हो कि कॉग्निटिव जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी उनकी है। सोशल, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, डीवी एंड ब्रूनर को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में रखते हैं, प्याजे और वाइगोत्स्की को कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में रखते हैं, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ये बाहर हो गया, ठीक है। ह्यूमनिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म से डिफरेंट है, ह्यूमनिज्म सबसे ज्यादा मिल रहा है एग्जिस्टेंशियलिज्म से, ठीक है। तो बिहेवियर कंस्ट्रक्टिविज्म तो बिहेवियरिज्म का पार्ट आ रहा है, बिहेवियरिज्म के विरोध में ही तो कंस्ट्रक्टिविज्म पैदा हुआ है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं स्टिमुलस एंड रिस्पांस, वो कहते हैं स्टिमुलस रिस्पांस नहीं है, ये तो मैंने मीनिंग अपने बनाने हैं, सब्जेक्टिव। वो कहते हैं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है पूरी तरह से सब्जेक्टिव। लाइफ इज सब्जेक्टिव, रियलिटी इज सब्जेक्टिव, नॉलेज इज सब्जेक्टिव। तो हाँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है उन्होंने कॉग्निटिव की जगह पर साइकोलॉजिकल यूज कर लिए, हालांकि साइकोलॉजिकल के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, लेकिन ऑप्शन का यही बचता है। अच्छा, लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स। अच्छा, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी, अल्बर्ट बांद्रा की थ्योरी साफ सामने आ गई। इसको सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ये भी सबको पता है, सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी में ये जो लर्निंग है, इसके चार स्टेप उन्होंने बताए हैं, अटेंशन, रिटेंशन, जो रिप्रोडक्शन एंड रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अब जब अटेंशन आ गया तो कॉग्निशन आनी आ गई, सिंपल सी बात। रिटेंशन आ गया, ये मेमोरी मॉडल नहीं बन रहा, मेमोरी मॉडल जहां मेमोरी आ रही है वहां कॉग्निटिव आ गया। तो सोशल, सोशल कहां है, जब एक मॉडल को देखना है, एक बच्चा देख रहा है कि मेरा पापा झूठ बोल रहा है और वो भी देख के झूठ बोलने लगता है, सोशल लर्निंग। उसने अमिताभ बच्चन जी को देखा, सलमान खान जी को देखा, तो वैसे ही बिहेवियर अपने में ले रहा है। बिहेवियर को याद करना पड़ रहा है ना, अंदर बिठाना पड़ रहा है सेकंड स्टेप, फिर बाहर निकालना पड़ रहा है, फिर उसे मजा आता है, वो रीइंफोर्समेंट हो गई। तो ये देख लीजिए, सोशल भी साथ आ रहा है लर्निंग की, कॉग्निशन की, ये प्रोसेस है, आपके सामने है उत्तर स्पष्ट, आपने खुद देखना है। मैं पूरा उत्तर इसलिए नहीं देखता कि आपकी थिंकिंग ना बंद हो जाए, दैट इज वाई। कि सीधा क्या हो रहा है आज, हो क्या रहा है कि सारे लर्नर लगे हुए हैं राइट आंसर को ढूंढने में, कि जिसको राइट आंसर मिल गया। यार जिंदगी ऐसे नहीं है कि आप, आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके रिश्ते हैं, राइट आंसर ऐसे पड़ा है उसका, वो तो राइट आंसर ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, सारा राइट आंसर ही लगता है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं है जिंदगी के, आप आपने जो राइट आंसर ढूंढ लिया है। बेटर ये है, अगर कंस्ट्रक्टिव वे से तैयारी करनी है, लर्न करना है, तो एक क्वेश्चन को लेके एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज से आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई, थिंकिंग रीजनिंग डेवलप हो गई, रीजनिंग राइट हो गई, तो आंसर राइट ही होगा। आप रीजनिंग को राइट रखिए, आप अपनी राइट आंसर के पीछे मत भागिए, राइट आंसर खुद ब खुद आएंगे आपके पास। जैसे वो आमिर खान जी की वो फिल्म है, वो जो थ्री इडियट्स है ना, वो कैसे एक्सीलेंट बनो, ऐसे कुछ डायलॉग है बड़ा अच्छा, तो वो सुन लेना चाहिए कभी कभी, कभी नहीं। उनकी फिल्में तो वैसे बहुत ज्यादा काम की होती है। द थ्योरी ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद कनेक्शनिज्म, वी नो द कनेक्शनिज्म थॉर्नडाइक की थ्योरी का दूसरा नाम है, जितने नाम ट्रायल एंड एरर, तो इसमें से कुछ, इसमें से तो कुछ वो देखिए, इसमें मैं ये बता रहा हूं कि एमसीक्यू कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट आपने कैसा करना है। मैं उनकी कमियां नहीं गिना रहा हूं, उनकी कमियों से हमने सीखना है। हमने अपने बच्चों की असेसमेंट अगर करनी है, मैं अपने ही बच्चे की अगर असेसमेंट करना चाहता हूं, उसे 5 एमसीक्यू बना के देना चाहता हूं, तो मैं तो लर्न कर लूं ना कि कहां सोक्रेटिस डाला हुआ है, सोक्रेटिस का इससे कोई संबंध है, थ्योरी ऑफ लर्निंग से कोई भी संबंध है। इतनी ऑड
जब आप डाल देते हो, आपने प्रोबेबिलिटी जो 25% थी वो कितनी कर दी, उसकी प्रोबेबिलिटी राइट आंसर की बढ़ा दी। तो सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट में ये ऐसे डिस्ट्रक्टर, ऐसे पुअर इतना पुअर डिस्ट्रक्टर है कि सबसे पहले ये देखिए लर्नर ने क्रॉस डाला भी हुआ है, सबसे पहले इसी को क्रॉस ना किया होगा। तो और ऐसे कौन से क्वेश्चन है डिस्कस करने वाले, ये गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ, मैं वो क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ डिस्कस करने की जिसमें थोड़ी थिंकिंग है, थोड़े जहाँ तो किसी का उसका पार्ट जो अपाहिज है, जो क्वेश्चन है ये अपाहिज है ना, जैसे हमारी पत्नी, चलो छोड़ो, तो जहाँ वो क्वेश्चन जिसके लिए थिंकिंग एक्सरसाइज थोड़ी चाहिए, ठीक है। इसमें अच्छे क्वेश्चन भी है कुछ, गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ, देखिए लॉन्ग टेल वाला सीधा अप्लाई हो गया, ख्याल नहीं रखा गया लॉन्ग टेल टेस्ट जो ऑप्शन है रखी गई है, क्या हम सीधी एडवाइस देते हैं बेटे बच्चे की प्रॉब्लम है बेटा ये कर लो ऑप्शन बी कर लो, आप अप्लाई करके देखो, डायरेक्टिव काउंसलिंग भी है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी है, ठीक है। जो ह्यूमनिस्ट रॉगर्स हाँ शायद उन्होंने दी थी कि बच्चे के अंदर देखो क्या सोल्यूशन चल रहा है वही बाहर निकालो, आप अपना सोल्यूशन ना दो, अगर आप अपना सोल्यूशन देते हो वो डायरेक्टिव काउंसलिंग है। तो एक डायरेक्टिव और इनडायरेक्टिव और एक मिडल की आ गई, थोड़ी अपनी नॉलेज भी दो क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज है, बच्चा अभी इमेच्योर है ना, तो थोड़ी बच्चे के अंदर से भी निकालो, वो मिड वाली होगी। अगर ये तीन अप्रोचेस है तो ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एडवाइस देना ही गाइडेंस है, ठीक। टीचिंग एथिक्स, ये रूसो की नेगेटिव एजुकेशन के सीधा विरोध में जा रहा है कि एथिक्स टीच कर देने ही जो गाइडेंस है। कई बार पर्सनल एथिक्स एंड सोशल एथिक्स क्लैश हो जाते हैं, आप कोलबर्ग की थ्योरी तो पढ़ी होगी ना, जहां वो कहता है कि चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बताओ यार, वो अपनी बीवी को बचाए, बीवी इज इम्पोर्टेंट कि चोरी इज इम्पोर्टेंट, आप फंस गए हो, डिलेमा दे दिया है, वहां कितने रिस्पांस ऐसे है चोरी कर लेनी चाहिए यार, एक अपनी पत्नी को बचाना है, एक ह्यूमन बींग को बचाना है, एक लाइफ को बचाना है, तो कितने रीजन ऐसे आए चोरी करना, वहां क्या एथिक्स है कि नहीं है, वहां चोरी करना एथिक्स बन गया, तो लाइफ ऐसी सिचुएशन आपको देती है, तो आप कैसे कह सकते हो सीधे सोशल वाले टीच एथिक्स कर देना वही लाइफ है। एक टीचर ने ना आज से काफी देर पहले एक क्लास में ये बोल दिया कि जो अपना दुख ना नहीं शेयर करना चाहिए, तो उस बच्चे ने ना अपने दुख दबाने अंदर शुरू कर दिए, वो अब नॉर्मल होना शुरू हो गया। काफी देर बाद मेरे से फोन पे बात हुई, तो बातों में मैंने कहा आप तो मतलब मेरे बातों में थोड़ा ऐसा हो गया कि पूरा पूरा उसे रुला दिया, पूरा रोया वो। तो मैंने कहा आप इतना क्यों दबा के रखते हो, ऐसी बात शुरू हुई थी, कहते ऐसा दबाना नहीं चाहिए, कहते नहीं मेरे को तो एक टीचर ने कहा था, उस टीचर के एक एथिक्स ने एक लाइफ पूरी खराब कर दी, ठीक है। तो अगर किसी और ने भी वो ले लिया होगा तो दैट इज वाई टीचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बोलना चाहिए, टीचर को ऐसा बोलना चाहिए कि किसी की भी लाइफ खराब ना हो, उसको ग्राउंड से ही रूट से ही बोलना चाहिए, सभी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए, सीधे डायरेक्ट प्रिंसिपल किसी पर हम कोई नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते। तो एथिक्स ना ही इतने रिजिड होते हैं ना ही होने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्रीडम सबको चाहिए, सोचने की सबको वो चाहिए, तो एथिक्स कैसे हो सकते हैं कि हम सीधे एथिक्स, मेरे लिए जो एथिक्स अच्छा है वो सबके लिए अच्छा थोड़ी है, मेरे लिए अगर चाय पीना अच्छा नहीं मुझे फिट बैठता तो सभी के लिए तो ऐसे क्या सूटेबल किसके लिए है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो पॉसिबल है कि आप टीच करके उसको गाइडेंस कह दो, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन 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 प्रोवाइड कर दो, राइट के रॉन्ग ये भी नहीं लिखा हुआ, तो आंसर तो इतने स्पष्ट है, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी व्हेन द फॉलोड बाय ए रिवार्ड इज नोन एज, गुड क्वेश्चन है वैसे ये। मैं ऑप्शन डिस्कस करूंगा, देखिए ऑप्शन पहली शेपिंग है बिहेवियर पैटर्न, इट मींस सारी ही ये बिहेवियरिज्म से आई हुई है, शेपिंग किसकी है यहां पर चले, शेपिंग आपको पता है, शेपिंग यहां पर चले, चलो उधर चलते हैं, शेपिंग हम जानते हैं स्किनर, ओके स्किनर की शेपिंग का प्रिंसिपल क्या है,
कि जो डिफिकल्ट जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एक क्या था कि उसने एट पर एक पिजन को चलाना सिखाना था, ठीक है, एक जो यहां यहां एक वो थी इसको टच करे, जब कबूतर इसको टच करेगा तो ही वो क्या है कि जो उसको ग्रेन का दाना मिलेगा, तो सारी उम्र कहता कबूतर लगा रहेगा वो तो होगा ही नहीं, ये तो वेरी डिफिकल्ट है। पावलोव का जो बेल दी और सलाइवेशन आ गया, स्टिमुलस रिस्पांस, कितना वो इजी टास्क है यार, और अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस भी है और एट पर चलना आसान है, तो उसने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय थोड़ी थोड़ी रीइंफोर्समेंट दी, जिसमें प्रिंसिपल कौन सा, रिस्पांस जनरलाइजेशन का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। कहना ये चाहता हूं जब भी शेपिंग आती है स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्समेंट देके कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, लर्न करवाना है। तो ये था, क्या ऐसा है इसमें कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, डिफिकल्ट बिहेवियर, शेपिंग वगैरह नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, वाटसन की ले लो क्लासिकल कंडीशनिंग, या पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग ले लो, कि नो स्टिमुलस, सॉरी यहां चलते हैं बोर्ड पर, यहां प्लस करेंगे, नो स्टिमुलस, ये बेल होगी है ना, नो रिस्पॉन्स, ठीक। देखिए उसने कहा है कि रिवार्ड, रिवार्ड भी उन्होंने शब्द यूज किया है ना, एक बार देख ले, ये देखिए, बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय रिवार्ड, रिवार्ड दिया जाता है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में यहां आएंगे यहां पर है ना, ये दी बेल, ओके, ये सलाइवेशन, सलाइवेशन आ गया, ये मैं कुत्ता, बेल और ये मैं स्लाइवेशन, इतनी बात है ना। और ये देखिए कि सॉरी, ये लास्ट वाली स्टेज मैंने कह दिया है, स्टार्ट कहां से होती है ये एक बार देख लें, एस को डिलीट करते हैं यहां पर और यहां पर लिखते हैं ये है, पहले दिया फूड, सॉरी पहले फूड, ठीक है, फूड पर रिस्पांस आ रहा है स्लाइवेशन, फिर दी बेल, ये मिटा दो, ये वाला मिटा दो, फूड आ गया, फूड पर सलाइवेशन आया, लेकिन बेल पर नो रिस्पांस आया, ठीक है, कोई सलाइवेशन नहीं आया, और फिर फूड प्लस बेल कर दी, इसको रिपीट किया 7-8-10 दिन तो रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या किया, फूड जो रिवार्ड था उसको विदड्रा कर लिया गया, हटा दिया गया, यहां पर क्या है, यहां पर है बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय ए रिवार्ड, ठीक है, तो रिवार्ड तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हटाया गया है, आपको पता है इसे नो रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं, मैंने अपनी बुक में मेरे ख्याल में कम से कम 10 नाम इसके दिए हैं, सब्स्टिट्यूशनल लर्निंग, बड़े नाम है, यूजीसी नेट वालों के लिए बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये जो है, जो फूड है, रिवार्ड है, वो तो हटा लिया गया, जब हटाया गया तो बेल के साथ, अब बेल दी तो रिस्पॉन्स आ रहा है, विदाउट रिवार्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग, देखिए आपको लगता है आप लगाइए, मुझे ये लगा, ठीक है। अच्छा, जनरलाइजेशन अकेला जनरलाइजेशन लिखा है, किसी भी लर्निंग थ्योरी में अकेला जनरलाइजेशन शब्द नहीं है, ये रिसर्च में यूज किया जाता है, व्हेन यू एक्सटेंड द फाइंडिंग ऑफ ए सैंपल टू पॉपुलेशन दैट इज नोन एज जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ स्टिमुलस जनरलाइजेशन है या रिस्पांस जनरलाइजेशन है, जो रिस्पांस जनरलाइजेशन है वो क्लासिक, सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग की शेपिंग की थ्योरी जो स्किनर की है उनका है, और जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन है वो शेपिंग में भी है और पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग में भी है, वाटसन में भी है, तो कि एक जो सिमिलर रिस्पॉन्स है वो क्या है, ब्रीफ में समझा देता हूँ यहाँ पर जनरलाइजेशन क्या है, कि ये रहा, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मा कहते हैं बेटा ये बॉल, ठीक है, एक ऐसी चीज उसे बॉल कह रहा है ये मम्मा ने, ये बड़ी बड़ी वाली मम्मा होगी, ठीक है, अच्छी है बनी, चलो
ये गल में कुछ डाल दे, चलो ठीक है। ये हो गया, और ये इसको बॉल कह रहा है, बॉल नीली कर दे थोड़ी, पता लगे कि बॉल है। अब क्या हुआ कि बच्चे के सामने एक सरदार बच्चा आ गया, और सरदार बच्चे ने जूड़ा किया हुआ था पंजाब में जैसे करते हैं। छोटा बच्चा कहता मम्मा बॉल। क्या हुआ, ये बॉल और जूड़े में सिमिलैरिटी थी, सिमिलैरिटी। उसने इस जो जो स्टिमुलस में जितनी सिमिलैरिटी सी उसको सेम रिस्पांस दे दिया, रिस्पांस इक्वल सेम दे दिया। तो सेम सिमिलर स्टिमुलस को सेम रिस्पांस दे देना, स्टिमुलस वन है लेकिन सिमिलर है स्टिमुलस टू से, लेकिन उसको रिस्पांस एक ही दे दिया कि बॉल है ये, तो इसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। कुछ ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, एक पूरा वीडियो इस पर चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से सिखाने के लिए बड़ी अच्छे तरह से इनका तीनों चारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, पर मोस्टली रीइंफोर्समेंट का करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट क्योंकि यहाँ पर रिवार्ड है, तो रिवार्ड है अच्छा, फॉलोड बाय दिया जा रहा है, यस yes, दिया जा रहा है तो पॉजिटिव है, अगर छीना जा रहा है तो नेगेटिव है। तो यहाँ आप अब खुद देख लीजिए कि कौन सा है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। कोई आपकी क्वारी हो, डिस्कस करना है, मेरे से गलती हुई हो, उसके लिए माफी मांगता हूँ। सिस्टम को इम्प्रूव करने की इच्छा है, चाहता हूँ अच्छा इंडिया, अच्छी एजुकेशन, अच्छा हायर एजुकेशन, अच्छी प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिले, क्योंकि एजुकेशन रियली एक टूल है पावर का, ठीक। तो जैसे लर्निंग नेगेटिव भी होती है, ऐसे हम नेगेटिव लर्निंग करके उसको एजुकेशन का लेवल मत लगाएं। तो आपका कोई कमेंट हो आप कर सकते हो। थैंक यू।